दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारी इस खूबसूरत टीम की तरफ से, और इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, और उन तमाम नाजरीन की तरफ से, किसी के दिल में गुलवरीन बैठी है। कहीं बैठ के आप कह रही हैं कि उल्लू बराए फरोख्त नहीं, और संगे मरमर से भी कोई ताल्लुक है आपका? वो तमाम लोग मेरे कानों में आके मुझसे ये कह रहे हैं कि उज़्मा से कहिएगा कि उज़्मा, हम आपसे और आपके काम से गहरा इश्क करते हैं। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू मुज़ाकरा। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको नजरे मुझसे बचाए। बुरी बात, अंकल ऐसे नहीं कहते। तो तुसी मुंडे सी तो मनारे पाकिस्तान एडा के सी। उस्मान जी, वेलकम टू मुज़ाकरा। तो एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। इरशाद के रेशम जुल्फ के तार भी बातें करते हैं। वाह 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 वा। रेशम जुल्फ के तार भी बातें करते हैं। वाह। उसके तो रुखसार भी बातें करते हैं। और इतना वक्त मैं देता हूं उस लड़की को, अब तो मेरे यार भी बातें करते हैं। हेलो अब तो मेरे, हेलो हेलो भाई, बड़े बड़े फनकार थे आए ने, जिस तरह तुसी लाफ्टर देता है ना, इस तरह तो कोई सदका नहीं देता जी। आप उज़्मा जी के काम को पसंद करते हैं? मैं कहना जी, मैं जिंदगी जो पहली बारी अर्थ होया ना जी, हाँ। तो तार ते पैर आया सी। सुनी तो कहीं दुख की गल सुनी दी, मैं फैन हूं उनका बड़ा शदीद। अच्छा, जो मैं पहली बारी जिंदगी च अर्थ होया ना जी, मैं इन्हों की फिल्म अर्थ वेखी। महल च लोग इन्हों अर्थ गुल कह लग पे। रीमेक था, रीमेक था। एक बहुत बड़ी अदाकारा ने उस रोल को पहले परफॉर्म कर दिया था, अपनी छाप छोड़ दी थी, बल्कि लोगों के दिलों में बस रही थी वो। ऐसे किरदार को हाथ डालने से पहले जरा सा खौफ आया? जरा सा, बहुत ज्यादा। अच्छा, कल्ट क्लासिक है। शबाना आजमी जी मेरी वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेसेस, और बचपन में फिल्म भी वन ऑफ माय फेवरेट थी। तो खौफ तो आया, लेकिन मैंने ये कोशिश की कि आई शुड ब्रिंग समथिंग ओरिजिनल टू द स्क्रिप्ट। वो नहीं कि जो एग्जैक्टली जो उन्होंने किया था उसको कॉपी कर दें। अपना किया। क्या हुआ? और छा गई। ओ मरे और अक्षय दे सिलेंडर। मैं कहने लगा सा कि जुल्फां दे छल्ले वे छल्ले 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 सारे फनकार दुनिया दे साड़ी उज़्मा तो थल्ले वे थल्ले। कंडक्टर ने पूछा किराया, कहंदे मैं स्टूडेंट हां, उन्हें कहा स्टूडेंट दी स्पेलिंग सुना, कहंदे मैं नलायक स्टूडेंट हां। चला, आपने इतने कैरेक्टर्स किए, इतने ड्रामा, सुपर हिट ब्लॉकबस्टर, तो आपने कभी सोचा था मुज़ाकरात में हमसे बात करने का चांस मिलेगा? उम्मीद तो यही थी। अल्लाह की कसम, एहो जी शर्माणियां कभी देखिए तुसी? शर्माना हो रहे, वो शर्माने तो रहे थे गुलाब दा फुल हवा दे विच इंज लहरा रहे। बेशक बेशक, तुसी शर्माने हो, लगदा पापड़ नू सेक लग गया। तुसी जो मर्जी मैनू कहो, अब वो आई है। और उनकी खिदमत में, उनके वेलकम में जी दो लाइनें आप ना गुनगुनाएं। सर ऐसा कैसे हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता? ये मेहदी हसन खान साहब की गजल, तो उन्हें कोल जाके सुना दियो। सुना सुना सुना। यो हाय हाय जिंदगी की राह, क्या बा
टकरा गया कोई यूं जिंदगी की राह, एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई यूं जिंदगी की राह। गुलबरीन का किरदार इस वक्त पाकिस्तान के हर दिल में धड़क रहा है, और अगर उसको सतही सतह पर देखा जाए तो वो एक नेगेटिव किरदार था। ऐसा क्या जादू किया या ऐसी कौन सी टेक्निक आपने इस्तेमाल की कि जब जब गुलबरीन खाई में रोती है तो पूरा पाकिस्तान एक नेगेटिव किरदार के साथ रोने लगता है? हम लोग ये शायद अक्सर भूल जाते हैं कि इंसान नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, होता वो इंसान ही है। वाह। और अगर आप दिल से कोई चीज़ फील करते हैं एज एन एक्टर आपका ये नहीं होता कि आपने दुनिया को कन्विंस करना है किसी इमोशन का, आपने अपने आप को कन्विंस। वाह 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 वाह। इतना लंबा गैप क्यों? यार जरा आर्टिस्ट होता है ना जी, वो गैप दिंदा है। जरा चंगा काम करने वाला है वो घट काम करता है। यह देखो ना, सवेरे पहले 6 बजे अखबार सुटते हैं, अपनी नान चने वाली रेहड़ी भी खोलनी होंगी है, 12 बजे बच्चे भी स्कूलों लियाने ने, फिर 2 बजे इतने भी पहुंचना, इतों मुका के फिर ड्रामे ते भी जाना है, ड्रामे तो बाद जाके फिर चौकीदारा भी करते ने। सही है भाई, मेहनत चकादी मजदूरी। आप तो ये बात भी नहीं कह सकती, क्योंकि बहुत से अदाकार यहाँ पे आके ये बात कहते हैं कि हमारे माशरे में कॉम्प्लेक्स है रंग का, खूबसूरती का, प्रेजेंस का। आपके पास तो सब मौजूद है, फिर किस चीज की कमी है जो आप इतना लंबा गैप लेती हैं और इतना कम नजर आती हैं पाकिस्तान के उन चाहने वालों को जो आपसे बहुत चाहत मोहब्बत बल्कि इश्क रखते हैं? स्क्रिप्ट में खैर मैं समझती हूँ उतना दम होना चाहिए कि मेरे जैसा, आई एम इधर वर्किंग हार्ड और हार्डली वर्किंग, ठीक है? अरे वाह। तो मैं इन दोनों चीजों के बीच में फ्लक्चुएट करती हूँ। तो मैं जनरली एट होम, आई एम अ वेरी लेजी पर्सन, आई लाइक टू बी एट होम, बिल्लियों के साथ नेटफ्लिक्स देखना, कुछ भी करना। तो बिल्लियां कितनी है? फिलहाल 5 है। 5 बिल्लियां रेस्क्यूज है सारी। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। वो कह रहे मेरी जानवरों ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਏਗਾ ਜਾਈ ਰਹੇਗਾ क्योंकि दुनिया न्यूज पे मौजूद हैं द वर्सटाइल हार्ड वर्किंग एंड जबरदस्त एक्ट्रेस उस्मा हसन, और देखते रहिए